नमस्कार, मैं वरुण सखा जी। वरुण सखा जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि एक हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें पूरी छत्तीसगढ़ भर की सारी सीटों का एक एक करके विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। इस विश्लेषण में अभी तक पहला विश्लेषण था कोरिया की 3 सीटों का। इसके बाद आया सरगुजा, अविभाजित सरगुजा जिले की 8 सीटों का। इसके बाद आया जशपुर, रायगढ़ और कोरबा मिलाकर के 11 सीटों का। तीन सर्वे हमने यहाँ पर पूर्वानुमान लगाने की कोशिश की। इसके बाद फिर हमने जांजगीर की 6 सीट, बिलासपुर और मुंगेली का सर्वे हमने पेश किया। इनमें 15 सीटें शामिल रहीं, यानी इस प्रकार से 38 सीटों को कवर किया 4 एपिसोड के अंदर। पांचवें एपिसोड में जो है हमने बात की भाटापारा की 4 सीटें, महासमुंद की 4 सीटें, धमतरी की 3 सीटें, यानी कि 11 सीटों पर बात की। इसके बाद आया हमारा छठा एपिसोड। छठवें एपिसोड में हमने बात की दुर्ग जिले की, बस्तर की 12 सीटों की, क्षमा करें, छठवें एपिसोड में बस्तर की 12 सीटों की बात की गई। सातवां एपिसोड आया जिसमें हमने बात की दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमतरा और कवर्धा जिले की, कुल 20 सीटों की बात की, यानी दुर्ग संभाग की सभी सीटों की। छठे एपिसोड में 12 बस्तर संभाग की सीटें और सातवें एपिसोड में 20 यानी दुर्ग संभाग की सीटें। अब बच रह गया है रायपुर जिला प्लस गरियाबंद जिला। इन दोनों जिलों में कुल जो सीटें आती हैं वो 9 सीटें आती हैं। वर्तमान की जो पोजिशन है 9 सीटों में से भाजपा के पास 7 सीटें हैं, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर काबिज है, यानी बीजेपी की यहाँ पर बड़ी बढ़त कायम है। लेकिन जो अभी कैलकुलेशन आ रहे हैं इनकी हम शुरुआत करेंगे धरसीवा सीट से। धरसीवा से देवजी भाई पटेल 2003 से लगातार जीतते आ रहे हैं। इनका टिकट इस बार बीजेपी ने बहाल रखा है इस बार भी। और यहाँ पर अनिता योगेंद्र शर्मा पिछली बार भी लड़ी थी जो सिर्फ 2390 वोटों से पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार अनिता शर्मा अच्छा जोर दिखा रही हैं और देवजी भाई पटेल के लिए ये खतरे की घंटी है। यानी देवजी भाई पटेल के 3 कार्यकाल में उनका जो सुर रहा है वो सरकार विरोधी रहा है, साथ ही साथ लोगों के बीच में उनका जाने का क्रम भी कम हुआ है। इस वजह से उन्हें धरसीवा में नुकसान हो रहा है और धरसीवा की सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दूसरी सीट है रायपुर की ग्रामीण सीट। रायपुर ग्रामीण में जो है सत्यनारायण शर्मा भी विधायक हैं, इनके सामने नंदे साहू थे पिछली बार, इस बार भी ये दोनों ही परंपरागत तौर पर आमने सामने हैं। इससे पहले ये जो सीट है सत्यनारायण शर्मा हार गए थे 2008 में, 13 में उन्होंने सीट को बहाल करा और नंदे साहू को हराया। नंदे साहू 2008 में जीते हुए थे, लेकिन इस सीट में जो है सिर्फ 1500 के मतों का अंतर है। नंदे साहू इसमें स्लाइडली जीत भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र शहरी क्षेत्र लगता है। इस वजह से जातियों का फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्टिव अब नहीं रहा जैसा पहले था। इस लिहाज से जो है सत्यनारायण शर्मा ने काम भी बहुत किया है, उपलब्धि भी बहुत रहे हैं, तो सत्यनारायण शर्मा इस सीट को फिर से चाहे भले ही समानांतर वोट रहे 1500 के वोट के अंतराल से जीते, लेकिन इस सीट में वो अपनी वापसी कायम करने में कामयाब दिख रहे हैं। यानी सत्यनारायण शर्मा जो है ग्रामीण को अपने झोली में डालते रहे, रायपुर ग्रामीण भी जो रायपुर कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही। अब बची 5 सीटें जिनमें है एक रायपुर पश्चिम। रायपुर पश्चिम में बहुत कश्मकश है, कांटे की टक्कर है। राजेश मूणत को पिछली बार सिर्फ 6166 वोट से जो है विकास उपाध्याय रह गए थे। विकास उपाध्याय एक नया चेहरा है, उनके पास एक जनबल है और इनके पास बाहुबल है और राजेश मूणत के पास धनबल है और एक मंत्री का अपना तमगा ओहदा है। राजेश मूणत ने 2013 में जो उनको बहुत कांटे की टक्कर मिली थी उससे सीख लेकर के क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन उस सब काम के बाद भी उन पर विकास उपाध्याय भारी पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो सीट है बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यानी पश्चिम जो है बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। इसके बाद आते हैं हम नॉर्थ, रायपुर की जो उत्तर सीट है, यहाँ से सिंधी बाहुल्य सीट का एक टैग लगा हुआ है। यहाँ से श्रीचंद सुंदरानी विधायक हैं भाजपा के, उनका टिकट बड़ी मुश्किल से 11th आर पर जो है फाइनल हुआ है, कटने जा रहा था क्योंकि वो डिस्कनेक्ट क्षेत्र में ज्यादा रहे हैं। यहाँ परंपरागत जो प्रतिद्वंदी हैं वो कुलदीप जुनेजा है। कुलदीप जुनेजा का टिकट बीजेपी ने कांग्रेस ने बहाल रखा है। कुलदीप जुनेजा को
रायपुर के अंदर स्कूटी पर चलने वाला एक विधायक के तौर पर लोग जानते हैं, सबके अच्छे और खराब कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं, परिवार के सदस्यों की तरह घुले मिले रहते हैं, जिसका उनको इस बार फिर से फायदा मिल रहा है। श्रीचंद सुंदरानी पर जो टैगिंग हुई थी, वो सिंधी नेता है, वो तो टैगिंग पहले टिकट के लिए तक तो पॉजिटिव रही, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव बनने लगी। उन्होंने जो है अपनी जो है सिंधित्व को अधिक प्रमुखता दी, इससे नॉन सिंधी जो है वहाँ के वोट्स वो इनसे कटे हुए हैं। इस वजह से जो 3,500 से वो जीते थे करीब 3,476 वोट से, तो इस बार उससे भी जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ से कुलदीप जुनेजा क्लियर शॉट जो है उत्तर सीट को जीतते दिख रहे हैं। अगली सीट रायपुर की दक्षिण, रायपुर दक्षिण में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ एक मजबूत नेता है, अच्छे बुरे हर तरह के कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं, लोगों के बीच में तादाद में है, उनका कनेक्ट है। उनके सामने पिछली बार किरणमयी नायक थी, किरणमयी नायक भी यहाँ से हार गई थी, 35,000 वोटों से, करीब उतने ही वोटों से हारी थी जितने वोटों से डॉक्टर मन सिंह जीते थे राजनांदगांव से। यानी बृजमोहन अग्रवाल एक मजबूत नेता के तौर पर यहाँ से उभरे हैं। किरणमयी नायक ने इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। यानी कुल मिलाकर के दोबारा चुनाव होने वाले, सामने हैं कन्हैया लाल अग्रवाल। कन्हैया लाल अग्रवाल की जो कुल कन्हैया अग्रवाल की जो कुल जमा जो उपलब्धि है वो है रायपुर में जो रिंग रोड पर टोल प्लाजा बन रहा था उस प्लाजा की खिलाफत। हालांकि उनका ये इनकी मुहिम रंग लाए, उसकी खिलाफत में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे वो प्लाजा वसूली नहीं कर पाया, लेकिन इसमें सिर्फ कन्हैया लाल नहीं थे और भी लोग शामिल थे। दूसरी बात, वो व्यापारी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जो है पदाधिकारी भी रहे, इस लिहाज से कन्हैया लाल अग्रवाल लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सामने बहुत कमजोर कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम से ही बीजेपी की जो है नाक बच पा रही है। अगली सीट है आरंग। आरंग में अभी नवीन मार्कंडेय युवा चेहरा है, बीजेपी के जो विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। रुद्र गुरु ने अपना टिकट भी बदल दिया, अहिबारा चले गए कांग्रेस के। इस तरह से यहाँ पर दोनों ही नए उम्मीदवार हैं, नए मतलब इस बार नए, क्योंकि संजय ढीढी पहले रह चुके हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनके सामने शिव कुमार डहरिया, शिव कुमार डहरिया कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, संजय ढीढी एक पुराने पड़ गए नेता हैं। आरंग में उनका बहुत उतना वजूद अब नहीं रहा, परिसीमन के बाद जो सीट में जो काट छाट हुई उसके बाद से संजय ढीढी बहुत मजबूत नेता नहीं है। शिव डहरिया ने यहाँ काम किया है, लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र में उनका निवास भी है। शिव डहरिया को इसका लाभ मिलता दिख रहा है, और इस हिसाब से अगर देखें तो ये जो सीट है आरंग की वो कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अभनपुर की। अभनपुर में परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं धनेंद्र साहू और चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर साहू मिनिस्टर रह चुके हैं, धनेंद्र साहू कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और काफी वरिष्ठ नेता हैं और मिलनसार हैं, लेकिन इस बार चंद्रशेखर साहू, ऐसा होता है यहाँ पर कि एक बार धनेंद्र साहू एक बार चंद्रशेखर साहू जीतते आए हैं, लेकिन इस बार जो है चंद्रशेखर साहू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो 8,500 वोट से पिछली बार हारे थे, इस बार भी वो इस सीट को रिटेन करते नहीं दिख रहे हैं। यानी रायपुर की अभनपुर सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। अब चलते हैं, अगली सीट है बिंद्रा नवागढ़, गरियाबंद जिले में आती है। बिंद्रा नवागढ़ में भाजपा ने एक छोटा सा काम किया है कि उन्होंने यहाँ के सिटिंग विधायक हैं गोवर्धन मांझी, गोवर्धन सिंह मांझी जो कि संसदीय सचिव भी हैं, इनका टिकट काटा है। भाजपा ने जो 3 संसदीय सचिवों के टिकट काटे हैं उनमें एक ये भी है, एक पहले हैं युद्धवीर सिंह, दूसरी हैं रूप कुमारी चौधरी और तीसरे हैं गोवर्धन सिंह मांझी। 3 जो संसदीय सचिवों के, 4 एक तखतपुर से राजू सिंह छत्री का टिकट काटा था, वो भी संसदीय सचिव है। इस लिहाज से अगर देखें तो बिंद्रा नवागढ़ में भाजपा की रणनीति काम कर रही है, और यहाँ पर जो उनकी जगह पर दिए हैं डमरूधर पुजारी। डमरूधर पुजारी एक पुराने मजबूत नेता रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ओंकार शाह जो है एक नए उसमें निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं, ओंकार शाह भी ताल ठोक रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन 30,000 की लीड से जीते थे गोवर्धन मांझी और उनके सामने जनक ध्रुव थे कांग्रेस के। इस बार कांग्रेस ने भी टिकट बदला, उनके सामने संजय नेताम दिए हैं, परंतु फिर भी डमरूधर पुजारी जो है इस सीट पर थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। यानी ये सीट बिंद्रा नवागढ़ जो है बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लास्ट सीट जो है इसकी राजिम, राजिम जो कि ब्राह्मण प्रधान सीट है, और ये जो है श्यामाचरण शुक्ल के जमाने से सीट इस परिवार में रही है। यहाँ से अमितेश शुक्ला पिछली बार जीत गए थे 2008 में, लेकिन 13 में अमितेश शुक्ला को संतोष उपाध्याय ने भाजपा के हरा दिया था, और ये हार सिर्फ 2,441 वोटों की थी, इसलिए इस वोट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अमितेश शुक्ला जो है बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हैं।
अपने पिता और अपने जो अपनी रियासत है, जो अपनी सियासत की जो रियासत है, उसका उन्होंने बहुत लाभ लिया यहाँ पर, लेकिन खुद बहुत सक्रिय नहीं रहे, इसका वो नुकसान उठाना उन्हें पड़ रहा है। और ये जो राजिम सीट है, ये भी फिर से संतोष उपाध्याय जीतने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। यानी ये कुल रहा 9 सीटों का, आखिरी 9 सीटों का जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें जो है ये निकल के सामने आ रहा है कि जो वर्तमान में अभी भाजपा जो है 7 सीटों पर है और 2 पर कांग्रेस है, वो अब इस 9 सीटों में पलटता दिख रहा है। यानी ऐसा ठीक तो नहीं पलट रहा है, लेकिन जो 9 सीटों में 7-2 का आंकड़ा है उसकी जगह पर भी जो आंकड़ा है 5 और 4 का रह जा रहा है। यानी 4 भाजपा के पास है, 5 कांग्रेस, यानी कांग्रेस यहाँ पर सीधे सीधे 3 सीटों का जंप ले रही है। यानी रायपुर जिला और गरियाबंद जिले की 9 सीटों में से भाजपा को सीधा सीधा 3 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। इनमें धनसीमा, उत्तर और आरंग 3 सीटें वो हार रही है इस हिसाब, और जबकि कांग्रेस यहाँ से अपनी सीटों में इजाफा कर रही है 3 का, और 2 सीटें जो उसकी थी उनको बचाने में कामयाब दिख रही है। तो अब जो जो विश्लेषण की जो श्रृंखला थी जिसमें आपके सामने ये 8वीं कड़ी है, इसकी जो कड़ी है इसकी जो शुरुआत हुई थी 3 नवंबर से, इसको हम आज 12 नवंबर में आखिरी कड़ी देने जा रहे हैं। यानी हमने एक एक जिले, एक एक संभाग की सीटों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है, बिल्कुल जमीनी धरातल पर विश्लेषण किया है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलहाल में कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता दिख रहा है। बहरहाल पूरी राज्य भर की पूरी एक एकीकृत जो लेके आएंगे 16 नवंबर को, आप देखिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, प्रतीक्षा कीजिएगा। आप चाहें इसके लिए बेल बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ भर की 90 सीटों का क्या रहेगा हालचाल, इसको बताऊंगा मैं आपको 16 नवंबर को। कल यानी 12 नवंबर को बस्तर की सीट और राजनांदगांव जिले की 6 सीट, यानी कुल 18 सीटों में पहले चरण की जो है वोटिंग है। आप वोट जरूर डालिए और इन पर नजर रखिए, और कल शाम तक, देर शाम तक आपके लिए लेकर आएंगे कल का एग्जिट पोल, कल दिन भर किस तरह से लोगों ने काम किया, किस तरह से लोगों ने वोटिंग करी और वोटिंग का ट्रेंड किस ओर झुक रहा है, बहुत क्लियर हम आपको बताएंगे कल शाम को। फिलहाल आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो 16 नवंबर को आप देखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ की वास्तविक हकीकत, और एक सुपर एपिसोड के माध्यम से किसकी बन रही है सरकार। एक एपिसोड हम आपको 14 नवंबर को प्रसारित करेंगे जिसमें हम बताएंगे कांग्रेस से कौन है मुख्यमंत्री पद का सच्चा दावेदार और पक्का दावेदार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।